तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष अंजन कुमार यादव व नामपल्ली प्रभारी फिरोज खान ने बीआरके भवन में तेलंगाना स्वास्थ्य मंत्री इतला राजेंद्र को याचिका सौंपी। डेलीगेशन हमारे अंजन कुमार यादव प्रेसिडेंट की सदारत में हेल्थ मिनिस्टर इटला राजेंद्र साहब से मुलाकात हुई और पहली पॉइंट हम ये बात बोले कि देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग जाने से घबरा जा रहे हैं। गांधी उस्मानिया का नाम लेते कि लोग डर जा रहे हैं, घबरा जा रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों का हाल देखे तो पेशेंट कोविड 19 से बाद में मरता, पहले प्राइवेट हॉस्पिटलों का बिल देखते कि मर जाता। अपोलो रहो, विरंची रहो, ग्लोबल रहो, यशोदा रहो, कौन सा भी हॉस्पिटल 1,00,000 रुपये डिपॉजिट करे बगैर और जैसा कोविड 19 पॉजिटिव आता जियो पास करी, जियो नंबर टेस्ट कम करें और आज भी आप टेस्ट कम कर रहे हैं। जब हाईकोर्ट डायरेक्शन दिया तो जब प्राइवेट लैब्स को ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जिसके पास भी परमिशन रहता उसको आप टेस्ट करो बोले और जैसा प्राइवेट लैब्स टेस्ट कर रही और रेट बढ़ते जा रहा, कांग्रेस पार्टी डे वन से एक ही बात बोल रही, आप टेस्ट करिए, आप टेस्ट करेंगे तो आप ट्रेसिंग करेंगे, आप ट्रेसिंग करेंगे तो ट्रीटमेंट करेंगे। आज तेलंगाना के अंदर आज के दिन 10 जुलाई के दिन 1,20,000 टेस्ट करें आप और बाजू का आंध्र प्रदेश 11,00,000 टेस्ट करा, दिल्ली में 12,00,000 टेस्ट हो गए, महाराष्ट्र में 13,00,000 टेस्ट हो गए और आज अपने हैदराबाद में टेस्ट कम कर रहे हैं। आप टेस्ट करिए, केस हम बढ़ते इसलिए कमी हो रही कि गवर्नमेंट को बढ़ के टेस्ट नहीं करना है, बढ़ के टेस्ट करेंगे तो केसा बढ़ जाएंगे और एक बेचैनी आवाम में पैदा हो जाएगी जो अब हो चुकी है। आज आप देखिए आज को अगर से 30,000 केसा हैं तो 24,000 केसा सिर्फ हैदराबाद में और हम पहले से बोल रहे हैं आप कंटेनमेंट जब करें एरियाज को, जब आप लॉकडाउन करें, आप लोग कंटेनमेंट मेजर्स फॉलो नहीं करें, आप लोग क्लिनिकल मैनेजमेंट सीधा नहीं करें, आप लोग टेस्टिंग नहीं करें, अगर से कोविड 19 किसी को आता तो आप प्राइमरी सस्पेक्ट को टेस्ट नहीं करें, प्राइमरी सस्पेक्ट जाके सेकेंडरी को दे दिया, आप खाली इन लोगों को बांध दिए जानवरों की तरह, मगर आप टेस्ट नहीं करें और आप टेस्ट नहीं करेंगे तो ये तमाम हैदराबाद में फैल जाएगा और ऐसी छुआ आज पूरे हैदराबाद में फैल गया। और अभी हम मिनिस्टर साहब को बोले आप टेस्ट नहीं बढ़ाएंगे तो ये हैदराबाद से निकल के पूरे तेलंगाना में 32 डिस्ट्रिक्ट्स में फैल जाएगा, आप यहाँ पे इसको रोकिए, टेस्ट बढ़ाइए। तो मिनिस्टर साहब पलटा के बोले जो हम टेस्ट करते थे वो RT-PCR से करते थे, RT-PCR से करते थे, ये टेस्ट 72 आवर्स के बाद रिजल्ट देता था, अभी हम रैपिड एंटीजन टेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 60 मिनट से 40 मिनट के अंदर रिजल्ट आ जाएगा।